वेलकम टू ऑल समस्त को आज पढ़ा शब्द प्रदूषण कौन बा नॉइज पॉल्यूशन। तो पूर्वर आम बहुत सारा वीडियो अच्छी आप प्ले लिस्ट जाइए सर्च करेंगे नाइन्थ क्लास साइंस लिखा ही थी किंबा आप वीडियो सेक्शन को जाइए आम चैनल को जाइए लाइव सेक्शन जाइए बहुत क्वेश्चन पाइपारे बहुत चैप्टर थ्योरी क्लासेस। देखो शब्द पॉल्यूशन आप जानते हैं शब्द विषय किंतु अभी आम और अनेक कि जाना शब्द पोषण केसबल कम हे कौट के विभिन्न प्रकार शब्द पोषण अच्छी पढ़ा चलो तो स्टार्ट करवा। प्रदूषण हूँ एक अनिच्छाकृत असम्य अप्रीतिकर तथा विरक्तिकर शब्द। यही शब्द विभिन्न पदार्थर कंपन सृष्टि होता है आम जान समस्ते गोटे शब्दा कंपन ही सृष्टि होता है आ मानव कर्ण द्वारा ही विभिन्न मध्यम देकर तरंग आकार ग्रहित हुए आम कर्ण जो अच्छे कर्ण जो अच्छे से कौन इन शब्द तरंग ग्रहण करता है और मस्तिष्क द्वारा संकेत भाव में व्याख्यात हुए आम जहाँ शुणुचे आम एक्शन कौन करवा कौन कह कौन बुझा सी मत मस्तिष्क द्वारा व्याख्यात हुए। मनुष्यर मस्तिष्क विभिन्न प्रकार शब्द संकेत को परखीबार सामर्थ्य रखे कौटा शब्द शुणु भल लगुच कौटा खराब लगुच कौटा खराब है तो शब्द को डेसिबल एक कर मापा जाए ये क्वेश्चन सब आसे शब्द को साउंड को डेसिबल एक कर मापा जाए और मनुष्य जो श्रवण अच्छे श्रवण प्रयास अच्छे शून्य रु 130 डेसिबल आम जो कर्णपट अच्छी सी पाखापाखि शहे शून्य रु 130 पर्यंत शुनिपर आ फिक्का जो अच्छी फिक्का श्रवण योग्य शून्य शब्द शून्य डेसिबल होता है तो परीक्षार पढ़ा तथा गोटा यही टेबुल पड़ो तो आप निश्चित मन रखिए ठीक अच्छे पाखे खाता पेन नोट करने चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ सेयार कर देख विभिन्न प्रकार कार्य परीक्षार पड़ता चॉकलेट चोबाइबा बेले उत्पन्न शब्द केते डेसिबल होता है 20 डेसिबल टाइप कर कंप्यूटर टाइप करुचे 40 डेसिबल आउ साधारण कथबार्ता जो टकिंग कर 30-60 डेसिबल टेलीफोन कथबार्ता 70 डेसिबल मोटरसाइकिल जो गाड़ी साउंड 110-120 सैरन 130-150 जेट विमान उठा उपरको उठा 160 डेसिबल अधिक सब अधिक देखिए जेट विमान आकाश को उठा क्वेश्चन केमी आसपे ना आपको एपटे लिखाई थोड़ा साधारण बल को सजे अड वन आउट कह ना क्वेश्चन पक टाइप करवा के डेसिबल 40 डेसिबल टेलीफोन कथा के 70 डेसिबल ओके चक्कर चोबा 20 डेसिबल सब कम ओके तो शब्दर मात्रा शून्य रु 100 डेसिबल मन रख शून्य रु 100 डेसिबल मध्य श्रुति मधुर देखने पड़े केते रु केते हेले श्रुति मधुर ना शून्य रु 100 डेसिबल आ 120 रु किंबा ताटू अधिक हो गले या श्रुति कटु कह जाए आ शब्द प्रदूषण भाव में अभिहित कह जाए आ मन रखा 130 डेसिबल रु अधिक हेले कर्णपति क्षतिकारक प्रभाव सुबिबनि बेले बेले आमर कर्ण नष्ट हो जा श्रवण शक्ति हर तो 100 डेसिबल रु अधिक शब्द मनुष्य कर्ण प्रतिवाद करिबा आरंभ करे तो लेस साउंड शुणु आम बेले बेले जो इयर कर दौचे चल रेकर्ड कम ही लगे बहुत प्रॉब्लम पकाए इफेक्ट पकाए बेले बेले इयर कर्ड देखे इयर कर्ड देने आम कौन कर अल्प साउंड शुणा पाखे सी बाज बाजुव कि डीजे बाजुव कान देखिए शुणा ओके तो शब्द प्रदूषण प्रकार भेद मु शब्द प्रदूषण को मुख्यतः तीन प्रकार भेद कराई कौन शिल्पगत जानवानगत गोष्ठीगत तुम तो जाच शिल्पगत केमती बड़ बड़ शिल्प अच्छी जो कलकारखाना अच्छी तार जो साउंड भल नुहे दूरे रहा आउ तापर अच्छे आम जानवाहन तो जाच गाड़ी मोटर धुआं अच्छी हर्न हर्न बाजुच्च बारंबार साउंड से मध्य ठीक नुह आ गोष्ठीगत गोष्ठीगत कह विभिन्न उत्सव है अनुष्ठान है जरा मेला सभा समिति राजनैतिक और सामाजिक उत्सव इत्यादि यार मुख्य कारण विद्यालय लाइब्रेरी और डाक्टरखाना गुड़िक शिकार होने पिला बस पढ़ु डीजे बाहर डीजे बाजुव तो बहुत प्रभाव पकड़ा सब कम पकड़ा रात 10 पर टाउन नियम है बजे पारे ना कहीं लोक शोबे आराम से परिश्रम कर शोले सकाल उठे कम कर परेश अवशेष न थ शब्द प्रदूषण अन्य प्रदूषण भिन्न
କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା, ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ପାକସ୍ଥଳୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିବା ସେଥିପ୍ରତି ବିଚାର କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା, କେମିତି କରିବା ଯେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ କ'ଣ ନା ଜାଣିଛେ, ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦକୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଏବଂ ବନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା କରାଯାଇପାରେ, ଏବେ ତ କରାଯାଉଛି, ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି। ଆଉ ଏକ ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ 20 ଡେସିବେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମାଯାଇପାରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାର ସବୁଜ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଲ। ସାଧାରଣ ସମିତି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କୃଷିଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଉଚିତ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବା ରାତ 8 ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ଉଚିତ। ଓକେ, ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ, ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କେବେ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ।